चलिए आज के इस वीडियो के अंदर जो है हम ऑन पेज के लिए क्या चेकलिस्ट होनी चाहिए, यानी कि किन किन पैरामीटर्स पे आपको काम करना होता है, ये डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला, सो दैट कि जब प्रैक्टिकल करूं तो आपको दिक्कत ना हो कि क्या क्या टास्क परफॉर्म करने हैं। तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल मंजीत। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के इस वीडियो के अंदर, जिसमें हम पूरी कंप्लीट चेकलिस्ट जो है वो यहां पर देखने वाले हैं कि ऑन पेज एसईओ के लिए क्या क्या करना होता है। तो यहां पर जो है सबसे पहले बता दूं, मैं टेक्निकल एसईओ को कवर नहीं कर रहा हूं, बिकॉज टेक्निकल एसईओ किसी एक सिंगल पेज पे नहीं, वो पूरे एंटायर ब्लॉग पे, एंटायर वेबसाइट पे जो है वो एप्लीकेबल किया जाता है। तो डेफिनेटली पेजेस पे भी किया जा सकता है, लेकिन अगर हम वेबसाइट पे टेक्निकल एसईओ को करते हैं तो वो सभी पे एप्लीकेबल हो जाता है। तो इसलिए मैं उस चीज को यहां से अलग करने जा रहा हूं कि यानी कि इसके अंदर ऑन पेज के अंदर टेक्निकल एसईओ को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, बिकॉज आप में से बहुत लोग जो है कमेंट में लिख सकते हैं कि सर आपने टेक्निकल एसईओ क्यों नहीं लिया। तो क्योंकि वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, वो ऑन पेज के लिए तो होता है, लेकिन उसके साथ साथ में हमें कुछ ऑन पेज पे, यानी कि जिस पर्टिकुलर पेज है उसके ऊपर में कुछ काम नहीं करना होता है, हमें काम करना हो तो कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स के ऊपर में। इसी वजह से मैं टेक्निकल एसईओ को यहां से बाहर रख रहा हूं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के ऑन पेज चेकलिस्ट की तरफ में। तो ऑन पेज एसईओ अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए काफी सारी चीजें होती है जो कवरअप करनी है। तो पहला जो होता है दैट इज दी यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि जो भी आपका पेज है उसका जो यूआरएल है वो बहुत ही बेहतर होना चाहिए, ताकि जो है जिस कीवर्ड के ऊपर में आप रैंक करना चाहे वो कीवर्ड उसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए। डोंट वरी, कैसे ये कवर अप करेंगे तो ये जब मैं प्रैक्टिकल करूंगा तो आपको दिखा दूंगा। सेकंड, अगर बात करें यहां पे आपकी हेडिंग टैग्स होते हैं, अब हेडिंग टैग्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आपको नहीं पता ये जितनी चीजें बता रहा हूं, तो व्हाट यू कैन डू इज आप कोई भी एक टाइटल सर्च करो, कोई भी एक कीवर्ड सर्च करो गूगल पे और उसकी पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाओ, कंट्रोल यू के साथ में या फिर इंस्पेक्ट करके देखेंगे तो आपको जितने भी एसईओ की चीजें होती हैं वो सारी इंफॉर्मेशन आपको जो है, जिसको हम रिसोर्स बोलते हैं, सोर्स कोड बोल सकते हैं बेसिकली, वो सारे आपको जो है वहां पर मिल जाएंगे। तो जो मैं अभी यहां पे कवर अप कर रहा हूं, हेडिंग्स के बाद में आपके पास में आता है टाइटल। टाइटल टैग का जो है इस्तेमाल करना और राइट टाइटल जो है हर पेज के लिए देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपके टाइटल के अंदर जो है अलग कुछ लिखा हुआ है लेकिन आपका जो पेज का कंटेंट है वो डिफरेंट है तो दोनों के बीच में जो है सिमिलरिटीज नहीं रहेंगी, तो यहां पे आपके चांसेस जो रैंकिंग के हैं वो कम हो जाते हैं। इसीलिए इसके बाद अगर बात करें हम यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन यानी कि जो आपका पेज है, अगेन ये चीज दिखती नहीं है बट एग्जिस्ट करती है हमारे जितने भी बॉट्स हैं उनके लिए, कि आपका ये जो पेज है वो किस रिगार्डिंग है। उसके बाद में आपके जो है आता है मेटा कीवर्ड्स, वो सेक्शन होता है जो कि अगेन दिखता नहीं है बट एग्जिस्ट करता है फॉर द बॉट्स, कि ये जो कीवर्ड्स हैं, ये जो पेज है वो किन किन कीवर्ड्स के ऊपर में रैंक किया जा सकता है उसके लिए। फिर उसके बाद में आता है आपके इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक्स, ये भी आपका एक ऑन पेज एसईओ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इंटरनल की बात करें तो किसी भी पेज के साथ में लिंक नहीं कर देना है, सिमिलर जो कॉन्सेप्ट है या सिमिलर जो आपकी निश है उसके जो हमारे पेजेस हैं उन्हीं को हमने इंटरलिंक करना है, बाकी दूसरे टॉपिक्स को नहीं करना है। एक्सटर्नल में भी लेके जा रहे हैं तो डेफिनेटली कोई भी दूसरी वेबसाइट पे नहीं चले जाना है, ऐसे में आपको जो सिमिलर निश के साथ में जो आपके एक्सटर्नल लिंक्स हैं वही आपको प्रोवाइड करने हैं। फिर उसके बाद में आपका आ जाता है एंकर टैग ऑप्टिमाइजेशन। सो एंकर टैग्स जो होते हैं उसको ऑप्टिमाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है, जब प्रैक्टिकल करेंगे तब चीजें हम कवर अप करेंगे। देन उसके बाद में आपकी बात करें कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। अब कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में कई सारे कॉन्सेप्ट आते हैं राइट, लेकिन उसकी अगर बात करें कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन की, तो यहां पे कीवर्ड डेंसिटी जो है वो आपकी कितनी होनी चाहिए, ये यहां पे जो है आपका मेजर जो है ध्यान रखने वाली बात है। उसके बाद में आपका आता है कंटेंट रीडेबिलिटी, अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ अ कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन ओनली। सो मैंने यहां पे इसको इसलिए अलग करके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, सो दैट कि आपको पता हो, आपकी चेकलिस्ट के अंदर हो, कि आपका जो कंटेंट आप क्रिएट करेंगे वो एक यू इजी टू रीडेबल होना चाहिए, मतलब जब यूजर आपके पेज पे आए तो उसको जो है बहुत इजीली समझ में आना चाहिए कि आपने कहां पर किस सेक्शन के अंदर क्या किया हुआ है। तो इसलिए उसके पॉइंटर्स बनाना, उसका एक इंडेक्सिंग करना और उसका एक
ओवरऑल सिनेरियो ओवरव्यू जिसको हम कहते हैं वो स्टार्टिंग के अंदर मेंशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एट द एंड जो है उसमें कंक्लूजन क्या है वो डिफाइन करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद में आ जाता है आपका प्लैगरिज्म। प्लैगरिज्म कहते हैं बेसिकली आज की डेट में जो है हम लोग किसी थर्ड पार्टी के पास में यानी कि किसी ऐसे पर्सन को हायर नहीं करते हैं जो कॉन्टेंट राइटिंग करते हैं, हम अपना कंटेंट नहीं बनाना चाहते, या कंटेंट अगर जो क्रिएशन करने वाले हैं कंटेंट क्रिएट करते हैं कंटेंट राइटर्स हैं वो भी क्या करते हैं, बहुत सारे हमारे चैट जीपीटी जैसे ऐसे बहुत सारे एआई टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, और कई बार वो जो है गूगल पर रिसर्च करके किसी दूसरे की वेबसाइट से कॉन्टेंट को ले लेते हैं। ऐसे में उसका प्लैगरिज्म जो है यानी कि उसको यूनिक बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डुप्लीकेट कंटेंट जो है यूज नहीं किया जा सकता, इसलिए उसका प्लैगरिज्म करना यानी कि उसको एक यूनिक बनाना जो कि दूसरे किसी के साथ में रिलेट नहीं कर रहा है, ऐसे में इसका भी ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन उसके बाद में बात करें इमेज ऑप्टिमाइजेशन। इमेज ऑप्टिमाइजेशन यानी कि उसका जो साइज है उसकी जो क्लैरिटी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, और कितनी नंबर ऑफ इमेजेस हमारे पेज के अंदर होनी चाहिए, क्या क्या सेक्शंस होने चाहिए उसके, और किस तरीके से हम इमेजेस का इस्तेमाल करें ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन अगर इसके बाद भी कई सारी और चीजें आ जाती हैं, लेकिन यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है विच इज द इमेज अल्टर टेक्स्ट। अल्टर टेक्स्ट यानी कि कई बार हमारी इमेज लोड होने में टाइम लग जाता है, ऐसे में क्योंकि हो सकता है इंटरनेट सामने वाले का बहुत स्लो हो, ऐसे में जो अल्टर टेक्स्ट है वो डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट कि जो बॉट्स हैं वो इमेज को कई बार रीड नहीं करते। वैसे तो आज की टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, इमेज को भी रीड किया जाता है, लेकिन स्टिल अगर हम अल्टर टैग के अंदर डाल देंगे तो इट इज इजियर फॉर दी बॉट्स टू अंडरस्टैंड कि ये इमेज किस तरीके से रिलेट करती है, किस चीज के अंदर जो है ये रिलेट करती है। और ऐसे में अगर कोई भी अगर आप गूगल पे भी सर्च करें तो देखिए आपको एक पहले टेक्स्ट मिलता है, उसके बाद में आपके पास में एक इमेज सेक्शन होता है, तो डेफिनेटली रैंकिंग सिर्फ जो है आपके फर्स्ट पेज यानी कि टेक्स्ट पे नहीं, हम जो है इमेज के जरिए भी आपकी रैंकिंग के अंदर अपनी वेबसाइट को या अपने किसी भी पेज को लाया जा सकता है, तो इसके ऊपर में भी हमें जो है ध्यान रखना है। तो ये कुछ ऐसे मैंने आपको करीब 12 पॉइंट्स ऐसे बताए हैं जिसमें टेक्निकल एसईओ को छोड़ दिया मैंने, और जिनके ऊपर में हमें ऑन पेज पे जब हम काम करते हैं तो उस वक्त हमें इस पे ध्यान रखना होता है, तभी जाकर हमारा जो पेज है वो परफेक्टली रेडी होता है फॉर हायर रैंकिंग। सो गाइज आई होप कि ये आपको जो है जितनी चेकलिस्ट मैंने बताई आपको पसंद आई होगी, और अगर ऐसा टॉपिक है जो मैं यहाँ पे कवर करना मिस कर गया हूं तो आप डेफिनेटली उसको जो है कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के मुझे बता सकते हैं, सो दैट कि आने वाले वीडियोस के अंदर उस चीज को भी इंक्लूड किया जा सके। फिर मिलता हूं एक और अमेजिंग वीडियो के साथ, टिल देन स्टे सेफ एंड गुड बाय।